Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the demand of Ushna Naveed, if A and B is symmetric and AB is equal to BA, means AB jo hai ye commutative property ko satisfy karte hain, so that AB is symmetric. To main prove karna hai ki AB jo hai post symmetric hai, jabki A aur B ke bare mein bataya ye symmetric matrix hai. और साथ में एक प्रॉपर्टी की ये भी दो मैट्रिक्स की ऐसी दे रखी है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल है. तो ये तीन चीज़ें हमको दे रखी हैं. तो पहले हम बता दें इनको कि अगर ए इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा. अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग जानते हैं सिंस ए इज़ सिमेट्रिक, तो ए अगर सिमेट्रिक है तो हम लोग जानते हैं वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं. इसको डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज के फॉर टी का यूज़ कर सकते हैं. ट्रांसपोज लेने के बाद भी, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो ए के इक्वल ही आ जाएगी. इसे इक्वेशन नंबर वन डाल दें. और साथ में बताया गया बी भी सिमेट्रिक है, सिंस बी इज़ सिमेट्रिक. बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का भी अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो बी के इक्वल आ जाएगा. इसे इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं. और हमें एक चीज़ और दे रखी है, उसका भी यहाँ पर यूज़ करें कि ए और बी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर है. इन तीनों का इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें प्रूव करना है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोज ले लेना चाहिए. अगर ट्रांसपोज लेने के बाद जो वैल्यू आए वो इसी ए बी मैट्रिक्स के बराबर आए तो हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. तो हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जब लेते हैं तब उसकी जो वैल्यू आती है वो रिवर्सल लॉ के थ्रू ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होती है. ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ट्रांसवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग. ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, फार्मूला होता है कह सकते हैं. तो ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड से जानते हैं कि बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर थ्री से पता है कि बी इंटू ए की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, ये ए बी के इक्वल आ गया. तो देखा कि ए बी का अगर ट्रांसपोज लिया तो वो भी ए बी के इक्वल आ रहा है. तो ये सीधा इंडिकेटर है, ये बता रहा है हमको कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक ये हमको प्रूव करना था. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी. वाखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.